नमस्ते सिया स्कॉलर्स, आज हम हिंदी व्याकरण के दो मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, जो है अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन। ये दोनों ही बिंदु हिंदी भाषा की लेखनी के प्रमुख बिंदु हैं। पहले हम शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन से। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मतलब किसी भी विषय को देखकर यदि आपके मन में कोई भाव, कोई विचार आ रहे हैं, तो उन्हें ही वाक्य बनाकर लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में, किंतु सार गर्भित मतलब अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। मतलब कि किसी भी घटना या किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी विषय के ऊपर आप कम शब्दों में, लेकिन अर्थ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें हम लिखें, तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। आप अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को पूरी तरह से लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें। मतलब लिखते समय बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ना करके सरल शब्दों का प्रयोग करें। अनुच्छेद में शब्द तथा वाक्य शुद्ध होने चाहिए। मतलब कि मात्राओं की जो गलतियां हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद में विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए, अर्थात एक क्रम से विचार लिखने चाहिए। मतलब जब आप किसी विषय पर कुछ लिख रहे हैं, तो आपके विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपने विषय से लिखते लिखते किसी और विषय पर चले जाए। वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। अनुच्छेद का अंत जो है वो रोचक होना चाहिए। मतलब जब आप अनुच्छेद को खत्म कर रहे हैं, तो उसे बड़े रोचक तरीके से खत्म करना चाहिए। इसमें आप कुछ मुहावरों को प्रयोग में ले सकते हैं, कुछ लोकोक्तियां प्रयोग में ले सकते हैं, उससे आपका अंत और भी रोचक हो जाता है। अनुच्छेद लेखन में दिए गए विषय पर एक ही अनुच्छेद अथवा पैराग्राफ लिखा जाता है। मतलब कि जो आपको विषय दिया गया है, आपको सिर्फ उसी पे लिखना है, किसी और विषय के बारे में उसमें नहीं लिखना। और सबसे प्रमुख बात ये जो है कि आपकी शब्द की सीमा 80 से 120 तक होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी विषय पर अपने विचार 80 से लेके 120 शब्दों तक रख सकते हैं। यहाँ हम एक अनुच्छेद लिखने की कोशिश करेंगे, जो है कोरोना एक वैश्विक महामारी। अनुच्छेद लिखते समय आपको कुछ अनुच्छेद के संकेत बिंदु दिए जाते हैं, जैसे कि क्या है महामारी, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपरांत भी कोई उपचार नहीं, बचाव और सुझाव। सबसे पहले हम हमारे पहले संकेत बिंदु को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट तो टॉपिक। आज पूरे संसार में कोरोना वायरस का आतंक फैल चुका है। आज पूरे संसार में यह एक महामारी के रूप में आ चुका है। कोरोना वायरस कई तरह के विषाणुओं यानी वायरस का एक समूह है। यह अनेक तरह के प्राणियों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह एक व्यक्ति से 50 लोगों तक रोग फैलाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर हमने अपना पहला संकेत बिंदु समझाने की कोशिश की है। अब हम हमारे दूसरे संकेत बिंदु की तरफ चलेंगे, जो है आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपरांत भी कोई उपचार नहीं। इस बिंदु पर हमने लिखा है कि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। विश्व भर के सभी वैज्ञानिक तेज गति से इसका वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। आने वाले समय में संभावना है कि 1 से 1.5 वर्ष के अंदर इस वायरस का वैक्सीन आ जाएगा
इसके बाद हम हमारा आगे का संकेत बिंदु जो है बचाव और सुझाव, इसके बारे में लिखेंगे, जो इस तरह से है कि इस वायरस से बचने के लिए हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। बचाव के उपाय सामाजिक दूरी बनाए रखना, पर्याप्त सुरक्षा मानक अपनाना, साबुन से नियमित रूप से हाथ धोना, वायरस संक्रमित लोगों से दूर रहना आदि। बहुत भीड़ वाली जगह में नहीं जाना, अपने घरों में रहना कुछ अन्य उपाय हैं। सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करना होगा। बार बार अपने हाथ धोने होंगे, अपने हाथ नाक मुंह में नहीं लगाने होंगे। इसके बाद आप इसका इस अनुच्छेद का अंत, मतलब इसको जो आप खत्म करेंगे तो उसे आप रोचक तरीके से खत्म कर सकते हैं, जैसे किसी मुहावरे के साथ। अभी जो कोरोना वायरस के लिए जो सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध लाइन चल रही है वो ये कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को और रोचक बना सकते हैं। आखिर में हम लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए इस संदेश का हमें दृढ़ता पूर्वक पालन करना होगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद, कोरोना एक वैश्विक महामारी। इस तरह से आप संकेत बिंदुओं की मदद से अपना अनुच्छेद पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है संवाद लेखन। संवाद क्या है, पहले ये समझते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग्स। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। मतलब जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसे आप बोलते हैं, तो उसमें आप संवाद की सहायता लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप, संवाद, संभाषण ये सब कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा संवाद। और संवाद लेखन का अर्थ होता है उसी बातचीत को, जो दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं उसी बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। अच्छे संवाद की विशेषताएं। एक अच्छा संवाद कैसा होगा? संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। संवाद सामान्य बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही सजीव, रोचक और मनोरंजन होगा। मतलब हमारी बोलचाल की भाषा और हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो बातें हैं यदि वो होती हैं तो वो और अधिक सजीव होता है, रोचक होता है और मनोरंजक होता है। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार होना चाहिए। मतलब यदि आपसे बड़े हैं तो आपके संवाद उस हिसाब से होने चाहिए, जिस तरह का विषय है उसके अनुसार होने चाहिए। यहाँ पर हम एक संवाद प्रस्तुत करते हैं जो है परीक्षा के संबंध में दो सखियों के बीच, दो सहेलियों के बीच। काव्य बोल रही है, रूपाली कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? अब इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप संवाद लिख रहे हैं तो उसमें जो चिन्ह आते हैं, संबोधक चिन्ह होते हैं, जैसे कि कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। रूपाली बोल रही है, बहुत अच्छा। सच कहूं पेपर शुरू होने से पहले थोड़ा घबरा रही थी, पर पेपर पढ़कर सारी घबराहट दूर हो गई। तुम्हारा कैसा हुआ? काव्या बोल रही है, मेरा अच्छा ही हुआ है। 2 नंबर के एक प्रश्न का उत्तर शायद ठीक नहीं लिख पाई। रूपाली, कौन सा प्रश्न? तो काव्या बोलती है, अपठित पद्यांश में मूल भाव लिखने वाला प्रश्न। रूपाली बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे पद्यांश था भी कठिन। काव्या, अब जो हो गया सो हो गया, चलो घर चलते हैं। तो रूपाली बोलती है, हाँ, चलो अगले पेपर की तैयारी भी तो करनी है। तो यहाँ आपने देखा कि दो सखियों, दो सहेलियों के बीच में परीक्षा के संबंध में जो संवाद हुआ, इसे ही हम बोलते हैं संवाद लेखन। जब दो लोग आपस में अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उन विचारों को बोलने के लिए वो संवाद की सहायता लेते हैं, और उन्हीं उसी उन्हीं संवादों को लिखना संवाद
संवाद लेखन कहलाता है। धन्यवाद।